नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार कंपोरस के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है विशाल विदाटे और आज सामने आप जो गाड़ी देख रहे हो ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI वेरिएंट। और ये जो वेरिएंट है ना, ये है कंपनी फिटेड CNG में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टिकर में। और ये जो गाड़ी है ये हाल ही में भारत में लॉन्च कर दी गई है। VXI वेरिएंट की अगर आप बात करोगे तो 7,77,000 रुपीज़ में एक शोरूम कीमत में ये गाड़ी भारत में लॉन्च कर दी गई है। और स्विफ्ट के जो चाहने वाले हैं ना, उनकी बहुत सारी आशाएं थी इस गाड़ी से कि ये गाड़ी CNG में कब आने वाली है। सो फाइनली गाड़ी CNG में आ चुकी है और आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में। सो फ्रंट से अगर देखोगे ना आप, तो गाड़ी में कुछ ऐसे मेजर चेंज नहीं है। जो रेगुलर स्विफ्ट आती है वैसे ही आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है हैलोजन में। हेडलैम्प है, साइड के टर्न इंडिकेटर देखो तो हैलोजन में आपको मिल जाते हैं। फोग लैम्प की जगह नीचे है, बट यहाँ पे कोई भी फोग लैम्प आपको नहीं मिलते। ग्रिल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और चाबी अगर देखोगे आप, तो ऐसी कुछ चाबी आपको मिल जाती है जहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। दो चाबी आपको यहाँ पे मिल जाती है। CNG की बैजिंग है, दो वॉशर और दो वाइपर का यहाँ पे यूज किया गया है। बाकी साइड से अगर देखोगे आप, तो 14 इंचेस के आपको स्टील रिम में व्हील मिल जाते हैं। और टायर प्रोफाइल अगर देखोगे आप, तो 165/80 R14 के जो टायर है यहाँ पे दिए जाते हैं। ट्यूबलेस टायर है और स्टील रिम ब्लैक में है। यहाँ पे जो सिल्वर कलर में कवर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और पीछे ड्रम ब्रेक का जो यूज़ है वो किया गया है। ग्राउंड गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे आप, तो 170 mm के आसपास आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ लुक आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI कंपनी फिटेड CNG का मिल जाता है। और जो ORV में तो आप अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो ये जो टर्न इंडिकेटर है वो आप इंस्टॉल किए गए हैं। और जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं। और स्विफ्ट का अगर रियर साइड का आपको डोर ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ऊपर एक एंटीना दिया गया है। पीछे अगर देखोगे तो CNG की बैजिंग है। और एक इस गाड़ी में इंटरेस्टिंग बात, जो आपको CNG भरनी है ना, तो CNG आपको यहाँ से भरवानी पड़ेगी। जो वॉल है वो यहाँ पे दिया गया है। और 55 लीटर वाटर कैपेसिटी का जो सिलेंडर है वो इसमें यूज़ किया गया है। पीछे से अगर देखोगे आप, तो ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI में मिल जाता है कंपनी फिटेड CNG में। ये पूरा LED सेटअप है। अच्छा आपको जो रात में थ्रो है वो अच्छा आपको मिल जाता है। दिन में भी इसका थ्रो अगर देखोगे तो वो भी अच्छा है। स्विफ्ट की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो। और बूट में अगर देखोगे आप, तो CNG टैंक आ चुका है। सो आपको ज़्यादा कुछ स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता। स्पेयर व्हील है, सेम साइज़ का R14 का स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है। और 55 लीटर वाटर कैपेसिटी का CNG टैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप 7 से 7.5 किलो तक CNG भर सकते हो, डिपेंड ऑन CNG स्टेशन पे कितना प्रेशर है। और स्पेस अगर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि पार्सल ट्रे भी है यहाँ पे। अगर देखोगे आप, तो पार्सल ट्रे अगर मैं नीचे करता हूँ, तो नीचे थोड़ी सी जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, अगर आप पार्सल ट्रे पूरा निकाल देते हो तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा, अगर सामान वगैरह आपको इसमें रखना हो तो। ऐसा कुछ बूट में आपको जो जगह है वो यहाँ पे मिल जाती है। ये अगर देखोगे तो ये कुछ एक्सेसरीज है गाड़ियों की, जो यहाँ पे स्पैनर वगैरह और जो ट्रायंगल रहता है सेफ्टी के लिए वो यहाँ पे दिया गया है। तो गाड़ी अगर देखोगे तो कंपनी फिटेड CNG में तो आ चुके है, बट ये जो है ना वॉल यहाँ पे CNG भरने का, ये कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑड लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिज़ाइन में भी अलग दिख रहा है। बाकी ये कुछ था बाहर के साइड से। अगर आप अंदर की साइड से देखोगे तो गाड़ी में आपको अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं। VXI वेरिएंट है तो इसमें आपको है ना, जो ये सीट है ये हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है मैन्युअली। बाकी चारों पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। बाहर के जो ORV है वो आपको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो। और ये जो विंडो लॉक का बटन ये यहाँ पे दिया गया है। और 1 लीटर की बॉटल आप चारों डोर में रख सकते हो। बाकी अंदर से अगर देखोगे आप, तो अंदर से ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI कंपनी फिटेड CNG के इंटीरियर में मिल जाता है। स्टेयरिंग अगर देखोगे तो ये आप टिल्ट एडजस्ट देखिए कर सकते हो। और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी यहाँ पे दिए गए हैं। सो म्यूट और फोन रिसीव कट आप यहाँ से कर सकते हो। और सेफ्टी फीचर देखोगे तो ड्यूअल एयरबैग, ABS CVT ये भी इसमें यूज किए गए हैं। और रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे वेंस का अगर डिजाइन देखोगे तो ऐसा कुछ ब्लैक में आपको मिलता है। बीच का देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर टाइप जो क्रोम का वर्क है यहाँ पे किया गया है, थोड़ा सा प्रीमियम फील आपको यहाँ पे मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम देखोगे तो ऐसा कुछ आपको टच में म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और ये छोटी सी स्क्रीन भी है, यहाँ से आप म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो। और जो फ़ोन वगैरह आते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और पार्सल ट्रे देखोगे और ग्लव बॉक्स देखोगे तो ऐसा कुछ आपको ग्लव बॉक्स साइज मिल जाता है। मैनुअल में AC है। नीचे अगर देखोगे आप
तो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ पे दिया जाता है और यूएसबी और ऑक्स के दो कनेक्टिविटी फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी दो कप फोल्डर है, 5 स्पीड का गियरबॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, हैंड ब्रेक है और यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह आपको मिल जाती है, यहाँ पे भी जगह है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ऊपर अगर आप देखोगे तो डे नाइट आईआरवीएम आपको मैनुअली यहाँ पे दिया गया है और लाइट अगर देखोगे तो हैलोजन में आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है और अगर वैनिटी मिरर देखोगे आप तो वैनिटी मिरर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, कोई भी लाइट नहीं है और यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है। बाकी फ्रंट से अगर देखोगे तो ऐसा कुछ लेआउट आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, स्पीडोमीटर है, आरपीएम मीटर और यहाँ पे एक एमआईडी की स्क्रीन भी दी गई है। सो यहाँ पे आप सीएनजी के लेवल देख सकते हो, सीएनजी कितना है, पेट्रोल कितना है ये भी देख सकते हो, पेट्रोल सीएनजी यहाँ पे लिखा गया है और टाइमिंग के भी फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, यहाँ से आप जो रेंज है वो भी देख सकते हो, बट ये रेंज है ना आपको सिर्फ पेट्रोल अगर गाड़ी चल रही है तो वहाँ पे ही दिखाती है, जब सीएनजी पे गाड़ी कन्वर्ट हो जाती है तब आपको ये रेंज वगैरह कुछ दिखाता नहीं। और यहाँ पे अगर देखोगे आप तो जो ट्रिप ए और ट्रिप बी, ट्रिप ए और ट्रिप बी के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिल जाता है। बाकी ये अगर सीट देखोगे तो ये सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर दी गई है, सो पीछे स्पेस कितना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि गाड़ी प्रैक्टिकल है और स्विफ्ट गाड़ी अगर देखोगे आप तो अच्छी खासी फेमस है इंडियन के बीच में। सो रियर में स्पेस भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पेस भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे एक लीटर की बॉटल आप रख सकते हो, पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, क्रोम में आपको जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है फ्रंट के और पिछले वाले देखोगे तो ये कुछ आपको फिक्स हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जो सीट है ना ये आप 60-40 रेशो के नीचे कर सकते हो ताकि आपको अगर कोई सामान वगैरह रखना हो तो आप इजीली रख सकते हो। बाकी इंजन अगर देखोगे तो सेम K12 सी सीरीज़ का इंजन है जो कि 4 फेंडर वाला इंजन है और इसकी अगर पावर फिगर देखोगे आप तो 1197 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर सेटअप है जो कि आप देख सकते हो। और इसका अगर पावर फिगर देखोगे आप तो 76 BHP और 98.5 न्यूटन मीटर टॉर्क ये जनरेट करता है। एवरेज अगर देखोगे तो एवरेज अच्छा खासा आपको इसमें मिल जाता है, 30.9 KMPL का एवरेज, मतलब आप पकड़ के चलो कि 31 का माइलेज, 31 का माइलेज आपको सीएनजी में मिल जाता है। ऑन रोड पे अगर देखोगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे माइलेज भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ था मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi ट्रिम के बारे में। बहुत लोग इस गाड़ी का वेट कर रहे थे कि ये गाड़ी कंपनी फिटेड सीएनजी में आ जाए, सो फाइनली ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। गाड़ी की अगर आप एक शोरूम कीमत देखोगे पुणे में तो 7,77,000 इसकी, मतलब 7,77,000 इसकी एक शोरूम कीमत है, और अगर आप इसकी ऑन रोड कीमत देखोगे तो 8,80,000 रुपये इस वेरियंट की ऑन रोड कीमत है और इस कीमत में आपको अच्छे खासे फीचर फिट ऑफर कर दिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर, वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, थैंक यू।